हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज उत्तराखंड एल की मैथमेटिक्स 2020 एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्लास 12th का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। जो क्वेश्चन है, fx कोई फंक्शन हमको दिया गया है इस प्रकार से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू निकालनी है इफ fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगर फंक्शन x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर कंटीन्यूअस है, x is equal to pi by 2 पर continuous है, तो इस k की वैल्यू निकालनी है। और हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है k is equal to 5, k is equal to -6, k is equal to 6 और k is equal to 1। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हमको कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो, कोई फंक्शन है fx, कोई फंक्शन fx है, अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, मान लिया c पर कंटिन्यूअस है, तो क्या होता है, fx की वैल्यू c पर और fx की लिमिट c पर, मतलब LHL और RHL सबके सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटीन्यूअस कहलाता है। अभी ये कंटीन्यूअस है x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, तो इसका मतलब क्या, fx की वैल्यू पाई बाई 2 पर और भैया क्या LHL और हमारे पास क्या RHL सबके सब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर से f, जब f पाई बाई 2, जब x is equal to pi by 2 है, तो fx की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, 3 है। और LHL का मतलब क्या हो जाएगा फिर, लिमिट x tending to pi by 2 मैं से कुछ गया। LHL का मतलब होता है कि pi by 2 पर वैल्यू निकालनी है, तो LHL क्या हो जाएगा, pi by 2 में से कुछ गया LHL। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, fx बराबर RHL के लिए क्या हो जाएगा फिर, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 में कुछ ऐड कर दिया, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा fx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने वैल्यू निकालनी k की, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, इसका कोई हमारा काम नहीं है। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, ये जो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस h, पाई बाई 2 माइनस h fx। इस fx की जगह क्या हो जाएगा, जब पाई बाई 2 में से कुछ गया, जब x is equal to pi by 2 तब 3 है, जब pi by 2 नहीं है मतलब pi by 2 में से कुछ गया, pi by 2 के आगे, pi by 2 के पीछे, हमेशा मेरे पास कितना है fx, k cos x upon pi minus 2x है ना। तो यहां पर को फिर बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट x tending to कितना हो जाएगा, pi by 2 plus h, ठीक है ना। pi by 2 में से कुछ आ चला है तो pi by 2 plus h करना पड़ेगा। x is equal to pi by 2 के लिए 3 है, जब pi by 2 के आगे पीछे सब जगह मेरे पास कितना है fx, k cos x upon pi minus 2x। ठीक है dear students, so अब देखो कि यहां पर 3 is equal to कितना आ जाएगा, लिमिट s tending to अब क्या होता है 0, इस x की जगह कितना आ जाएगा, k cos x की जगह कितना आ जाएगा, pi by 2 minus h upon, यहां पर हो जाएगा हम pi minus 2x की जगह कितना आ जाएगा, pi by 2 minus h, ठीक है ना। फिर बराबर हो जाएगा लिमिट x tending to, तो हो जाएगा h tending to, तो हो जाएगा कितना, h tending to 0 और x की जगह वैल्यू रख दी k cos pi by 2 plus h of कितना हो जाएगा फिर, upon pi minus 2 pi by 2 minus h। क्लियर, ये भैया इतना हो गया। तो अब इस सब इन सब की वैल्यू, इनकी कोई जरूरत है नहीं, इसलिए मैंने इन सबको मिटा दिया। तो अब इसकी जरूरत होने वाली, तो 3 इज इक्वल टू फिर कितना आ गया, लिमिट s tending to, तो 0 आ गया। फिर आ गया k cos pi by 2 minus h का मतलब होता है sin h, ठीक है ना। हम जानते हैं cos pi by 2 minus theta का वैल्यू होती है sin theta। अब यहां पर क्या होने वाला, ध्यान से देखना, देखो pi है माइनस है, 2 अंदर गुणा हो गया, 2 से 2 गया और कितना हो गया माइनस pi, फिर ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और यहां पर से कितना हो गया फिर भैया 2h हो गया। क्लियर है ना, और इस पाई से ये पाई गया, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा फिर हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू कितना हो गया 0। अब देखो यहां पर से कितना आ जाएगा k, फिर कितना हो जाएगा फिर हमारे पास cos। अब देखो अगर ना तुम यहां पर से नहीं भी लेना चाहते हो इसको तब भी चल जाएगा, अगर लेना चाहते फिर यही इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। अगर तुमको लगता है कि एक बार कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, तो लो फिर इसको आगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझना है।
अगर वैल्यू निकाल लें के की तो यहां पर से आ जाएगा तुम्हारे पास 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहां से बचा आपके पास k sin h अपॉन कितना है तुम्हारे पास 2h। ठीक, तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर तुम्हारे पास 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू, तो हो गया 0। ये तो हो गया k, k कांस्टेंट है बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और यहां पर से होता है sin h अपॉन कितना हो गया h। और अब ध्यान से देखो 3 बराबर कितना आ गया 2 इधर गया तो कितना आ जाएगा 6 आ गया, और यहां पर से आ गया लिमिट h tending to 0, फिर हो गया sin h upon h। और मैं हमेशा एक वैल्यू को जानता हूं लिमिट x tending to 0 sin x upon कितना x, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1, क्योंकि हमने इंटर में भी सॉल्व किया, 11th में भी सॉल्व किया है, इसमें डियर हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, लिमिट x tending to 0 होता है sin ऊपर वाले को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x, नीचे वाले को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो ये जो आया ये तो भैया कितना आया 1, तो k की जो वैल्यू आई भैया हमारे पास कितनी आई 6, तो आंसर नंबर हमारा क्या सी सही होगा। अब देखो अभी आंसर तो यहां से भी आ गया, समझना चाहते हो तो भैया ये क्या आ जाएगा फिर यहां से, चलो इसको भी सॉल्व करता हूं समझने के लिए। s tending to 0 है, फिर ये k है, cos pi plus h की वैल्यू होती है माइनस sin h होती है, ठीक है ना, और अपॉन हो गया, फिर यहां पर हो गया देखो कितना आएगा पाई आएगा माइनस आएगा पाई आएगा फिर माइनस माइनस प्लस कितना जाएगा फिर अपने पास 2h आ गया। तो यहां पर से जो आपके पास जो आ गया वो कितना आ गया फिर लिमिट h tending to, तो कितना हो गया 0 आ गया, और यहां पर से कितना हो गया फिर हमारे पास ये माइनस भी था ना माइनस 2 भी था, ठीक है ना। तो यहां पर से जो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा फिर कितना k बाहर आ गया, तो ये यहां से k, और यहां पर तो कितना आ जाएगा फिर आपके पास k आ गया तो बच गया कितना sin h अपॉन कितना आ जाएगा फिर आपके पास माइनस 2 भी बाहर आ गया और बच गया फिर h, इसकी वैल्यू भी अगेन 1। तो चाहे तुम इसको इसको बराबर लेके करो या इसको बराबर लेके करो आंसर तुम्हारे पास हमेशा कितना आने वाला है आंसर इसका आने वाला 6। ये था आज का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।